नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के 10 दोहे अर्थ सहित। गुरु गोविंद दोउ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद मतलब भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, पहले किसको प्रणाम किया जाए, पहले किसके चरण स्पर्श करें। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले तो मैं गुरु को ही प्रणाम करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। जग में बैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल होए, यह आपा तो डाल दे दया करे सब कोए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में कोई भी हमारा बैरी नहीं हो सकता, कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता। अगर हम अपना अहंकार त्याग दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। कहने का मतलब कि हमारा जो अहंकार है वही सबसे बड़ा कारण है हमारे बैर का। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा भी गुजारा चल जाए, यानी कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर यदि कोई साधु या अतिथि आता है तो वह भी भूखा मेरे घर से वापस ना जाए। कहने का अर्थ है कि मुझे बहुत अधिक धन नहीं चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो जाए, जिससे और दान पुण्य भी हो जाए, मुझे उतना धन ही पर्याप्त। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से अधिक चुप रहना ही अच्छा होता है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। कहने का अर्थ है कि हर काम एक सीमा में ही अच्छा रहता है, एक लिमिट में ही अच्छा रहता है। ऐसे ही संस्कृत में भी कहावत है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अर्थात अति को हर जगह त्याग देना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात हे मन, धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से भी सींच दे तो भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेंगे। अर्थात हर चीज का एक समय होता है, एक वक्त होता है और समय आने पर ही वो चीज होती है। अधिक जल्दी करने से कुछ नहीं होता, हमें धीरज से काम लेना चाहिए। यह इस दोहे का बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिले आ कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने के लिए चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, और जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा तो और कोई भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि हमें दूसरे लोगों में दोष ढूंढने नहीं चाहिए, बुराइयां ढूंढनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्वयं भी दूध के धुले नहीं है, हम में भी बहुत सारी बुराइयां हैं। दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं पर सुख में कोई नहीं करता, और यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। कहने का अर्थ है कि हमें भगवान के साथ तो कम से कम स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम भगवान के साथ भी स्वार्थी बनेंगे, केवल दुख के समय ही भगवान को याद करेंगे, तो फिर
भगवान निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा करता है उसे हमें अपने पास ही रखना चाहिए, वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को ही शुद्ध करता है। कहने का अर्थ है कि आलोचना का भी हमें आलोचना से भागना नहीं चाहिए, आलोचना की भी अपनी एक वैल्यू होती है, एक मूल्य होता है और आलोचना से हम बेहतर बनते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में उन्होंने अपने जीवन में केवल यही चाहा है कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती ना हो तो किसी से दुश्मनी। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैट, मैं बबूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग कुछ प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में उतरता है तो वहां से कुछ ना कुछ तो लेकर ही आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, इसलिए वे कुछ नहीं पाते। अर्थात हमें मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए।